हेलो एवरीवन, राम राम। तो आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, जो कि हर किसी के फेवरेट होते हैं, और जिसको ना पसंद हो ना वो भी एक तो पीस खा ही लेता है। तो हाँ, हम सबके चहेते गुलाब जामुन, और वो भी केसर और मेवा दोनों के साथ बनाने वाले हैं। लग रहे हैं ना एकदम टेम्पटिंग और एकदम चरकीले। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है मेवा, यानी कि जो खोया होता है ना वो लिया है। अब खोया को क्या करना है, हमने यहाँ पे फ्रेश खोया होता है वही लिया है, और इसको अच्छे से हमें क्रम्बल कर देना है। थोड़ा सा हम दरदरा कर देंगे ना तो अच्छे से हम इसको बैटर में पीस पाएंगे, मतलब अच्छे से हम इसको मैश कर पाएंगे। और इसके अंदर ऐड किया है मैदा। अब आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना हो आप उतनी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और अब इसके साथ ही हम ऐड कर रहे हैं केसर। केसर को हमने ना थोड़ा सा बारीक कूट लिया था, तो थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़े हो गए हैं उसके। तो अगर वैसे करेंगे ना तो सारे गुलाब जामुन में अच्छे से हम डाल पाएंगे, मतलब केसर के जो दाने हैं वो अच्छे से एक एक गुलाब जामुन में आ पाएंगे। और साथ में इसके अंदर हमने दूध ऐड किया है, और दूध से इसका आटा गूंथना है। तो आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट आटा गूंथा है, थोड़ा सा हाथों में चिपके ऐसा आटा गूंथ लीजिएगा, ठीक है। और इसके हमें बॉल्स बना देने हैं, यानी कि गुलाब जामुन बना देने हैं। और हम साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए रख देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 बोल जितनी शक्कर ऐड की है, और उसके अंदर हमें पानी उसका 2.5 गुना ज़्यादा ऐड करना है, और चाशनी हमें बनानी है 1 तार की। तो चाशनी को उबलने के लिए रख देंगे, और तब तक हमारे ये गुलाब जामुन जो है वो भी हमने बॉल्स बना दी है। ये देखिए, आप चाहे तो छोटे बना सकते हैं या फिर बड़े भी बना सकते हैं। और ये देखिए, सारे गुलाब जामुन में केसर के दाने बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। और अब क्या करेंगे, चाशनी जो है ना थोड़ी सी उबल चुकी है, इसके अंदर हमें 1/2 नींबू का रस डाल देना है। यहाँ हमारे जो घी है वो भी गर्म हो चुकी है, कढ़ाई में डाल दीजिएगा चाशनी जब उबलने के लिए रखे तभी। और फिर उसके अंदर हमने गुलाब जामुन को ऐड कर दिया है। तो आप एक साथ 10-15 जितने गुलाब जामुन तो आराम से फ्राई कर सकते हो, अगर आपकी कढ़ाई जो है वो बड़ी हो तो। चाशनी जो है वो उबल चुकी है, और अब उसकी जो गैस की फ्लेम है वो हम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन कितने क्यूट है ना। अब इन्हें एकदम ब्राउन कलर के हो जाए ना तब तक फ्राई करना है। एक बैच तो फ्राई हो चुका है, अब दूसरी बैच फ्राई हो रही है। तो सारे बैच इस तरह से फ्राई कर लेने हैं, यानी कि सारे गुलाब जामुन जो है वो फ्राई कर देंगे। और यहाँ पे हमारी चाशनी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है, हमने ऑफ कर दिया था, और सारे गुलाब जामुन भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम चाशनी डाल देंगे। तो चाशनी को छान के इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमने नींबू का रस डाला था ना, तो नींबू के जो रेशे होते हैं ना वो अंदर ना जाए, इसलिए हम इसके अंदर छान के ऐड करना है। अब क्या करेंगे, एक ट्रिक दिखाती हूँ आपको। अगर आपको अपने गुलाब जामुन को एकदम चरकीले बनाने हो ना तो क्या करना, जब आपने चाशनी डाल दी ना तो तुरंत जब चाशनी गर्म हो, गुलाब जामुन भी गर्म हो, तब उसके अंदर ना घी डाल देना 2 चम्मच। तो इससे ना एक बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाती है गुलाब जामुन में। ये देखिए है ना कितने सुंदर चरकीले बने, और बिल्कुल भी फटे भी नहीं हैं हमारे गुलाब जामुन, रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक कट करके भी दिखा देती हूँ। अंदर से ना एकदम केसर वाला येलो कलर आ गया है इसके अंदर, हमने चाशनी में तो बिल्कुल भी नहीं डाला था ना, तो सिर्फ केसर जो हमें वो उसके अंदर ही डाला था गुलाब जामुन में। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी थाली दिखाती हूँ हमारा न्यू ईयर का जो खाना है उसकी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ना चौड़ी की सब्जी ज़रूर बनती है हर साल न्यू ईयर के दिन। साथ में दाल है, रोटी है, और कंसार है, जो कि हम स्वीट में हर साल न्यू ईयर में बनाते ही है। और कंसार की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड किया है उसका वीडियो, आप देख लीजिएगा। उसके ऊपर थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है, घी ऐड कर दिया है, और साथ में हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी ऐड कर दिए हैं। और ये हमारी आज की फुल डिश जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने थाली का भोग भी लगा दिया है भगवान जी को, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए।